इस वीडियो का मकसद केवल दवाइयों की जानकारी देना है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा न लें और ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि दवाइयों की आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोज रंगलानी, स्टूडेंट ऑफ बीफार्म फाइनल ईयर। इस वीडियो में मैं आपको पेंटोप्राजोल टैबलेट के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटोप्राजोल टैबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज और पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक इरिटेशन करने वाली मेडिसिन जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और ओरल स्टेरॉयड्स के साथ भी पेंटोप्राजोल टैबलेट का सेवन किया जाता है। अब जानते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट कैसे काम करती है। पेंटोप्राजोल टैबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, जो पेट में बनने वाले एसिड के सीक्रेशन को कम कर गैस्ट्रिक एसिड से रिलेटेड इंडाइजेशन, हार्टबर्न, एसिडिटी और अन्य प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करती है। अब जानते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। पेंटोप्राजोल टैबलेट के सेवन से कुछ पेशेंट्स में डायरिया, फ्लैटुलेंस, हेडेक, नौसिया, स्टमक पेन, वोमिटिंग और डिजीनेस जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको पेंटोप्राजोल टैबलेट लेने से कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स दिखे, तो आप इस दवा का सेवन करना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब जानते हैं किन किन लोगों को पेंटोप्राजोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। एल्कोहलिक, प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी और लीवर डिसीज वाले पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना पेंटोप्राजोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट के डोसेज के बारे में। एडल्ट्स के लिए पेंटोप्राजोल टैबलेट का रिकमेंडेड डोज 40 मिलीग्राम है, जिसे आप ओरली दिन में एक बार सुबह खाली पेट ले सकते हैं। सुबह खाली पेट पेंटोप्राजोल टैबलेट को सेवन करने से पेंटोप्राजोल टैबलेट अपना बेस्ट रिजल्ट शो करती है। अब जानते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट किन मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है जब कोई एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ मिलकर फेवरेबल या अनफेवरेबल रिएक्शन देती है। पेंटोप्राजोल ड्रग एटाजेनावेर, सिलोस्टाजोल, इंडिनावेर और नेलफिनावेर जैसी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अगर आप इनमें से कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो पेंटोप्राजोल टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। अब जानते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट से संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ। पेंटोप्राजोल टैबलेट को खाने से एक घंटा पहले, खासकर सुबह खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट लेने से पेंटोप्राजोल टैबलेट अपना बेस्ट रिजल्ट शो करती है। पेंटोप्राजोल टैबलेट वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है, जो लॉन्ग टाइम तक रिलीफ प्रोवाइड करती है। दो हफ्ते तक पेंटोप्राजोल टैबलेट लेने के बाद भी अगर आप बेहतर महसूस नहीं करते हैं, तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आपको दूसरी समस्या भी हो सकती है। पेंटोप्राजोल टैबलेट के लंबे समय तक इस्तेमाल से हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं, साथ ही शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी हो सकती है। अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार कैल्शियम और मैग्नीशियम या उनके सप्लीमेंट्स का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना पेंटोप्राजोल टैबलेट लेना बंद न करें। अब जानते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। पेंटोप्राजोल टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम है पेन 40 टैबलेट बाय एल्केम लेबोरेटरीज, पेंटोसिट टैबलेट बाय सन फार्मास्यूटिकल्स, पेंटो 40 बाय एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, पेंटोटेक 40 टैबलेट बाय जाइडस कैडिला, पेंटोसेक टैबलेट बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स आदि। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मोतरंगलानी फिल्म्स। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।